आज के समय में लड़कियां हर जगह अपने नाम की पहचान बनाती नजर आ रही है। ऐसे में हम बात करेंगे एक ही परिवार की चार लड़कियों के बारे में, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। यहाँ बात करें है मोहन सिस्टर की। शक्ति मोहन, नीति मोहन, मुक्ति मोहन और कृति मोहन ने लड़की होकर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज भी हम एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं और ऐसे समाज में अपनी जगह बनाने का काम मोहन सिस्टर ने बखूबी किया है। मोहन सिस्टर के पिता अपनी फैमिली में एक लड़का चाहते थे, लेकिन इन लड़कियों ने ये साबित कर दिया कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती। वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को अच्छे से बैलेंस करके चल सकती हैं। शक्ति, मुक्ति और नीति में से उनकी छोटी बहन कृति मोहन लाइमलाइट से भले ही दूर रहती हो, लेकिन अपनी बहनों का पूरा साथ देती हुई नजर आती हैं। आइए एक एक करके जानते हैं मोहन सिस्टर के बारे में। पहले हम बात करते हैं चारों बहनों में से सबसे बड़ी बहन नीति मोहन के बारे में, जो कि बॉलीवुड में एक सफल गायिका के रूप में जानी जाती है। उन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट गाने दिए हैं, जिसमें इश्क वाला लव और जिया रे शामिल है। इतना ही नहीं, नीति मोहन बाहुबली जैसी शानदार फिल्म का भी पार्ट रह चुकी है। इसके बाद बारी आती है शक्ति मोहन की। शक्ति को इंडस्ट्री में एक शानदार डांसर के रूप में देखा जाता है। उन्होंने फेमस डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सीजन 2 का भी खिताब जीता हुआ है। यहीं से उनके सफल करियर की शुरुआत हुई थी। हाल ही में वो एक डांस रियलिटी शो डांस प्लस 4 की भी जज रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कई रियलिटी शो फिल्मों के अंदर कोरियोग्राफ भी किया है। साथ ही वो अपना नृत्य शक्ति नाम का एक डांस स्टूडियो भी चला रही है ना कमाल की बात। अब बारी आती है कंटेम्प्रेरी डांसर मुक्ति मोहन की, जो कि कई सारे रियलिटी शो और ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रह चुकी है। उनके डांस स्टाइल का हर कोई दीवाना है, यहाँ तक कि एक कॉमेडी शो में वो कपिल शर्मा की भी पार्टनर रह चुकी हैं। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कीर्ति मोहन की, जो कि भले ही लाइमलाइट से दूर रहती है, लेकिन वो अपनी बहनों के लिए एक सेलिब्रिटी मैनेजर के रूप में काम कर रही है। इसका मतलब ये कि अपनी बहनों की सारी जिम्मेदारियां इतनी छोटी सी उम्र में वो बखूबी निभाती है। तो ये थी मोहन सिस्टर की कहानी, और आपको ये कहानी कैसी लगी हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करके जरूर बताइएगा।